आज की जो वीडियो है उसमें आप देखेंगे कि आप कंप्लेन कैसे कर सकते हैं अपने बैंक की, अगर आपको शिकायत है आरबीआई से, आरबीआई के ऑफिसर या ऑफिशियल से, तो उसकी कंप्लेन आप कहाँ पे कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी इश्यू है तो आरबीआई का कस्टमर केयर नंबर क्या है, आपका बैंक अगर आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है पिछले 30 दिनों से, तो उसके अगेंस्ट आप कहाँ जा सकते हैं, और अगर बैंकिंग ओम्बड्समैन में जाने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो उसके अगेंस्ट आप कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। ये सारी कंप्लेन्स आप देखेंगे कि ऑनलाइन कैसे होती है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। आप देखिए, मैंने गूगल ओपन किया हुआ है, गूगल में आप सिंपली आरबीआई डालेंगे, तो आरबीआई डालने के बाद जो सर्च में सबसे ऊपर है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये रेगुलेटर है इंडिया में, जितने भी बैंक्स ऑपरेट करते हैं उनका जो रेगुलेटर है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है। ये फर्स्ट पेज में ही नीचे आप देखिए लोज अ कंप्लेन, लोज अ कंप्लेन करने के बाद ये आपके सामने विंडो ओपन होती है, कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम सीएमएस, यहाँ पे है फाइल अ कंप्लेन। अगर आपको कंप्लेन फाइल करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। अब मैं अगर इस पर क्लिक करती हूँ तो ये बताएगा किस किस के अगेंस्ट आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। आप बैंक्स के अगेंस्ट कर सकते हो, आप एनबीएफसी के अगेंस्ट कर सकते हो, एनबीएफसी जैसे इंडिया बुल्स हो गई, ऐसी जितनी भी एनबीएफसी है इंडिया में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उनके अगेंस्ट भी आप यहां से कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो। सिस्टम पार्टिसिपेंट जैसे अमेजोन पे वॉलेट है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बैकेंड में काम करती हैं, पेमेंट्स का लेन देन करती हैं, जो कि आरबीआई ने जिनको ऑथराइज किया है, तो उनके अगेंस्ट भी आप यहां से कंप्लेन कर सकते हो। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं सिस्टम पार्टिसिपेंट दिखाती हूँ क्या होता है। यहाँ पे आपने सारी डिटेल्स फिलअप करनी है, मोबाइल नंबर कंप्लेनेंट का, शिकायतकर्ता का, एरिया ऑफ ऑपरेशन, अगर आपको लगता है कि एरिया ऑफ ऑपरेशन आपको नहीं पता है तो आरबीआई की कस्टमर केयर पे कॉल करके आप कंफर्म कर सकते हो कि आपको कौन सा एरिया डालना चाहिए। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे, वहां से आप चूज कर सकते हो अगर आप क्लियर है अपनी एरिया के बारे में। ये आप देखिए, इसके बाद आपको सिस्टम पार्टिसिपेंट की पूरी लिस्ट दी गई है, पेमेंट्स के लेन देन के लिए ये सारे सिस्टम पार्टिसिपेंट्स जो बैकएंड कंपनीज हैं ये सब ऑथराइज्ड हैं, आप इनमें से किसी के अगेंस्ट भी एक कंप्लेन फाइल कर सकते हो। एंड देन नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और ये पूछा जाएगा कि आपने ये कंप्लेन अपनी कंसर्न कंपनी के साथ ऑलरेडी फाइल की है नहीं की है, की है तो क्या कंप्लेन नंबर है, और अगर कंप्लेन फाइल की है तो क्या उसको 30 दिन पूरे हो चुके हैं रजिस्टर की करने के बाद, तो ये सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। कोई भी डॉक्यूमेंट है एज एन प्रूफ जो प्रूव करता है कि आपके पैसे, आपका जो जो ट्रांजेक्शन आपने की वो सक्सेसफुल थी अनसक्सेसफुल थी, ऐसी कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा सकता है, और इवन आगे जब आप प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट के बाद वो आपको यहाँ अपलोड भी करना होगा, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ रखें अगर आप ऐसी कोई भी कंप्लेन फाइल करना चाहते हैं। अब आप देखिए, मैं एनबीएफसी का दिखा देती हूँ, एनबीएफसी की लिस्ट भी आप देख सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी कंपनी कौन सी कैटेगरी में आएगी तो आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके एनबीएफसी नेम में देख सकते हो कि आपकी कंपनी यहाँ इंक्लूडेड है या नहीं है, बहुत सारी एनबीएफसी है। इसके अलावा आप बैंक भी देख सकते हो। तो ये है कि आप ऑनलाइन कंप्लेन कैसे रजिस्टर कर सकते हो। बैंक की, एनबीएफसी की या सिस्टम पार्टिसिपेंट की कंप्लेन का जो लेवल है फर्स्ट, वो बैंकिंग ओम्बड्समैन या एनबीएफसी ओम्बड्समैन या सिस्टम पार्टिसिपेंट ओम्बड्समैन है। अगर आपको लगता है कि बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेन फाइल की है तो उस कंप्लेन को कैसे ट्रैक करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। आई विल क्लोज दिस विंडो नाउ। ये आप देखिए, ट्रैक योर कंप्लेन, यहाँ पे आप अपने कंप्लेन नंबर डालेंगे, कंप्लेन नंबर आपको मिलेगा जब ये आप सारी डिटेल्स डालेंगे, डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। ये कंप्लेन फाइल करने के बाद आपको एक कंप्लेन नंबर मिलता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ वो कंप्लेन नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, देन सबमिट कर देंगे। यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा कि उस कंप्लेन का क्या सॉल्यूशन निकला है या वो इन प्रोसेस है। इस विंडो को बंद करने के बाद वापस से मैं पीछे जाती हूँ, फाइल एंड अपील क्या होता है ये मैं बता देती हूँ आपको। आपने यहाँ पे बैंक के अगेंस्ट कंप्लेन की, आपने कहा कि आप बैंकिंग ओम्बर्समैन में की। अब बैंकिंग ओम्बर्समैन क्या होता है ये आप देखिए, ये मेरा यूट्यूब चैनल है मनी ट्रेवल, यहाँ पे मैंने एक बैंकिंग ओम्बर्समैन को लेके वीडियो बनाई है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे और पूरा इसको सुनेंगे ध्यान से,
तो बैंकिंग ओम्बड्समैन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी चाहिए, उसे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, वो सारी मैंने बहुत अच्छे से इसमें समझाने की कोशिश की है। सो आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें, बैंक से रिलेटेड कोई भी शिकायत है, कोई भी कंप्लेन है, उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आप कंप्लेन कर सकते हो, सब कुछ मैंने इसमें बहुत अच्छे से बताया है। तो बैंक के अगेंस्ट आपने कंप्लेन किया, यहाँ पे फाइल अ कंप्लेन, उस कंप्लेन को ट्रैक किया आपने, यहाँ से आपका जो कंप्लेन है उसका डिसीजन आ गया है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप बैंकिंग ओम्बड्समैन ने अपना डिसीजन दे दिया है। अगर आपको लगता है मैं अब भी संतुष्ट नहीं हूँ, या जो उन्होंने वैल्यू दी है, पैसा दिया है, वो मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो आप कहाँ जाएंगे? फिर आप अपील फाइल करेंगे। अभी मैं बताती हूँ अपील क्या होता है। बैंकिंग ओम्बड्समैन, ये जो वीडियो है, जैसे बैंकिंग ओम्बड्समैन है, उसके डिसीजन से आप संतुष्ट नहीं है, जिस दिन बैंकिंग ओम्बड्समैन का डिसीजन आता है उसके 30 दिन के अंदर ही आप ये अपील फाइल कर सकते हो। ये जो अपील है ये एपलेट अथॉरिटी को जाती है। एपलेट अथॉरिटी कौन होता है? आरबीआई के जो गवर्नर है, या उसके बाद आते हैं डिप्टी गवर्नर। तो आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर है वो होते हैं एपलेट अथॉरिटी, ये चेंज होते रहते हैं। सो एपलेट अथॉरिटी को ये अपील जाती है बैंकिंग ओम्बड्समैन के या एनबीएफसी ओम्बड्समैन के डिसीजन के खिलाफ आप इस अपील को फाइल करते हो। सो ये मैंने आपको बता दिया है, बैंक के अगेंस्ट कैसे कंप्लेन करें, बैंकिंग ओम्बड्समैन के अगेंस्ट कैसे कंप्लेन करें या अपील कैसे फाइल करें। अब जो थर्ड वे है वो आप देख सकते हो कि अगर आपको आरबीआई से ही शिकायत है तो आप कैसे करें। ये आप देखिए, यहाँ पे यूआरएल है, वेब एड्रेस है, यहाँ अगर आप ऐसे ही टाइप करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। यहाँ आप गूगल में डालेंगे कंप्लेन अगेंस्ट आरबीआई तो भी आपको ये ही वेब पेज आपके स्क्रीन पे ओपन होगा। यहाँ आप देखिए अगेंस्ट आरबीआई, मैं अगर इसको क्लिक करती हूँ तो ये सब, ये पूरा विंडो ओपन होता है। अब अगर आपको ईमेल आईडी चाहिए, बिकॉज बट ऑब्वियस आप फोन पे तो कंप्लेन नहीं करेंगे ऐसे, आपको के पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी होना चाहिए। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ईमेल करें, ईमेल आईडी रिट्रीव करने के लिए, जैसे कि अहमदाबाद है, आप, मैं इसको नए टैब में ओपन करती हूँ, तो अहमदाबाद की ईमेल आईडी देखिए, मेल टू, यहाँ पे cms.cepc@rbi.org.in, ये ईमेल आईडी है, आप इस पे मेल कर सकते हो। अगर आपको बैंक आरबीआई के, अगर आपको आरबीआई के किसी भी ऑफिशियल के अगेंस्ट या आरबीआई के अगेंस्ट कंप्लेन करनी है, ये टेलीफोन नंबर है, ये फैक्स नंबर है। इस विंडो को भी मैं बंद कर देती हूँ, ये भी मैंने बताया है, वो भी मैंने बताया है। अब मैं दो तीन चीजें और दिखाऊंगी। जितने भी लोग मेरे चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से मोस्टली की यही क्वेरी होती है कि मैं अपने बैंक से संतुष्ट नहीं हूँ, या बैंक ने जो डिसीजन दिया है मेरी एटीएम फेल ट्रांजेक्शन को लेके, तो बैंक के अकॉर्डिंग पैसा आ गया है मेरे हाथ में लेकिन मुझे पैसा नहीं मिला है, तो कंप्लेन रजिस्टर करने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं होते बैंक के डिसीजन से, तो ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हो। ये आप देखिए वीडियो, जैसे मैंने बनाया है एटीएम फेल ट्रांजेक्शन के बारे में, या अगर आपका कोई भी फ्रॉड होता है एटीएम का, डेबिट कार्ड या बैंक अकाउंट में, तो आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। सो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम, या ये आप देखिए ऑनलाइन शॉपिंग, पेटीएम वॉलेट, या ऐसे कोई भी फ्रॉड होता है आपके ई वॉलेट में, तो आप अपना पैसा कैसे वापस पाएं, बैंक से डील करने के बाद, एनबीएफसी के से डील करने के बाद, या जो ई वॉलेट कंपनी है उनके साथ डील करने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो बैंकिंग ओम्बड्समैन ही है जो आपका सेवियर होता है या आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। सो ये वीडियो मैं ऑलरेडी, ये मैं बता चुकी हूँ कि बैंकिंग ओम्बड्समैन को आप कैसे कंप्लेन फाइल कर सकते हो। आज आपको पता चला होगा कि ऑनलाइन आप कैसे बैंकिंग ओम्बड्समैन को अप्रोच कर सकते हो, और आप एनबीएफसी, बैंक या सिस्टम पार्टिसिपेंट के अगेंस्ट कैसे कंप्लेन फाइल कर सकते हो। अलावा अगर आपको लगता है कि आप आरबीआई की कस्टमर केयर को अप्रोच करना चाहते हो किसी भी क्वेरी से रिलेटेड, तो ये आप देखिए, ये है यूआरएल, वेब एड्रेस, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया है, तो कॉन्टैक्ट अस डिपार्टमेंट, फर्स्ट आपको यहाँ चूज करना पड़ेगा कौन से डिपार्टमेंट में आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो। यहाँ से अगर आपको लगता है कि रीजनल ऑफिसेस को क्लिक करना है, जैसे आपने सपोज चंडीगढ़ को किया, तो उसके बाद आपको यहाँ देखिए कॉन्टैक्ट नंबर्स मिले हैं। सो आप ऐसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो आरबीआई के ऑफिशियल्स को किसी भी हेल्प के लिए। ये थी मेरी वीडियो। आपको अगर कंप्लेन करनी है बैंक के अगेंस्ट, तो ऑनलाइन कैसे रजिस्टर करें, एनबीएफसी के अगेंस्ट,
या आपने बैंकिंग ओम्बर्समैन या एनबीएफसी ओम्बर्समैन के डिसीजन के अगेंस्ट ही अपील करनी है तो एपलेट अथॉरिटी को कैसे ऑनलाइन अपील करें। इसके अलावा मेरी जो वीडियोस होती है वो इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स एंड पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, सो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो बैंक से रिलेटेड है इन सब को लेकर मैं वीडियो बनाती हूँ। और साथ में जो ट्रेवल है वो भी मेरा सेगमेंट है, जहाँ जहाँ मैं पर्सनली ट्रेवल करती हूँ वो वीडियोस भी मैं अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, जो बेल आइकन है घंटी का निशान है उस पर क्लिक कर दे अगर आपको मेरी सारी वीडियोस टाइमली चाहिए। वीडियो अगर पसंद आई, यूजफुल लगी तो इसको प्लीज शेयर करें। हो सकता है किसी के साथ भी ऐसे कोई बैंकिंग इश्यू हो या कोई भी अपने बैंक से अभी इस टाइम परेशान चल रहा हो, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो इस वीडियो को शेयर करके। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड डे एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय, टेक केयर।